हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लनरे देतीमन। एयर फोर्स स्कूल वायुसेना विद्यालय मनोरी से वैकेंसी आई है परमानेंट टीचर्स की, और साथ में कई पोस्ट ऐसी भी हैं जहां पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भी यहां वैकेंसी निकाली गई हैं। सैलरी यहां पर 65,000 तक जो है वो मिलने वाली है। एज यहां पर 21 से 55 साल तक रहेगी। एप्लीकेशन के लिए कोई भी फीस नहीं ली जा रही है। आप इंडिया में किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर एप्लीकेशन डाल सकते हैं। सीटेट की यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है, और लास्ट डेट जो है वो 11 अगस्त है। यदि समय से पहले आप लोगों को वीडियो मिल जाता है तो आप लोग एप्लीकेशन करें, यदि नहीं मिल पाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन 11 अगस्त लास्ट डेट है। कोशिश करिएगा, अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो समय से पहले करें। ये जो है मेन वेबसाइट है एयरफोर्स स्कूल मनोरी की। यहाँ पर नोटिस एंड सर्कुलर में आप देख रहे हैं वैकेंसी जो है वो आपको बिल्कुल रनिंग में चलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर आपको जाना है, एप्लीकेशन परफॉर्मा यहाँ आपको डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन फॉर्म पे स्केल जो है वो क्या रहने वाली है, तो यहाँ पर पे स्केल जो है वो आप देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है प्रिंसिपल का, पीजीटी का, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे लैब अटेंडेंट की एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी या एनटीटी, ठीक है। तो सभी का जो है इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम लोग जो है सबसे पहले एक एक करके सारी चीजें जो है देखेंगे। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म है जहाँ आप यहाँ फोटो लगाएंगे, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, आप किस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है वो अपना नाम, एड्रेस वगैरह सारी चीजें जो है वो आपको डिटेल में हर चीज जो है वो भर देनी है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है। उसके बाद जो है वो अपना साइन, डेट, प्लेस जो है वो आप लिख लेंगे। सेकेंड जो हमने देखा यहाँ पर पे स्केल के लिए इन्होंने दिया है, तो प्रिंसिपल जो है वो रेगुलर पोस्ट है, यहाँ पर परमानेंट पोस्ट है, तो पे स्केल स्टार्टिंग जो है वो 56,000 से है, ठीक है। टीजीटी इंग्लिश के लिए, यानी टीजीटी अगर हम ऑल सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर टीजीटी इंग्लिश की रेगुलर यानी परमानेंट पोस्ट है, तो 33,000 से अधिक सैलरी है। HWT यानी हेल्थ वेलनेस टीचर जो है वह भी परमानेंट है यहाँ पर, तो 33,000 से अधिक इसको सैलरी मिलेगी। PGT केमिस्ट्री जो है ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, और मैथ जो है वह भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। अभी क्वालिफिकेशन जो है वो आप ध्यान से देख लें। प्रिंसिपल की पोस्ट बहुत बड़ी पोस्ट होती है, यहाँ परमानेंट पोस्ट है इनकी, और यहाँ पर मास्टर डिग्री इन्होंने 50% मार्क्स में मांगा है, साथ में जो है वो बीएड मांगा है, एक्सपीरियंस भी मांगा है यहाँ पर प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए। 2 साल आपने पीजीटी जो है यहाँ पर पढ़ाया हो, या फिर आपने प्रिंसिपल जो है सीनियर सेकेंडरी या सेकेंडरी स्कूल में आपने 2 साल जो है वो बिताए हों, या फिर आपने 3 साल जो है वो टीजीटी की पोस्ट पर जो है वो एक्सपीरियंस लिया है, तो आप एलिजिबल हैं। 35 से 50 साल आपकी उम्र जो है वो रहनी चाहिए। वुमेन कैंडिडेट और फिजिकल चैलेंज्ड कैंडिडेट को यहाँ 5 साल की छूट मिल रही है। इसके अलावा भी जो है एक्स सर्विस मैन को भी यहाँ पर जो है छूट मिल रही है। भाषा जो है इन्होंने कहा है लैंग्वेज, अब प्रिंसिपल की पोस्ट है, ठीक है, एयरफोर्स स्कूल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, तो यहाँ पर इंग्लिश जो है वो आप लोगों को अच्छे से आनी चाहिए। इसके साथ अगर आपको हिंदी जो है वो थोड़ी बहुत आए तो ठीक है, वरना यहाँ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है अन्य में है, सी टेट अगर कर रखा है तो ठीक है, एस टेट अगर कर रखा है आपने तो ठीक है, और नहीं भी कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हैं। सी टेट जो है वो हर पोस्ट के लिए इन्होंने कहा है कि अगर सी टेट जो है वो जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। पीजीटी में अगर हम सभी सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ मास्टर डिग्री 50% अंकों के साथ होनी चाहिए, बीएड मांगा गया है, ठीक है, और कहा है कि पीजीटी कंप्यूटर के लिए और हेल्थ वेलनेस टीचर के लिए जो है यहाँ बीएड की जरूरत नहीं है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जो है यहाँ पर अगर आपने मास्टर डिग्री अपने सब्जेक्ट में और बैचलर डिग्री कर रखा है 50% अंकों के साथ, ठीक है, साथ में जो है वो यहाँ बीएड भी मांगा गया है। हेल्थ वेलनेस के लिए जो है वो मैंने आपको बता दिया कि डिप्लोमा जो है यहाँ पर बीए, बीएससी साइकोलॉजी विद एजुकेशन साइकोलॉजी या काउंसलिंग साइकोलॉजी, या आपने एमए, एमएससी इन काउंसलिंग साइकोलॉजी, या फिर एमए, एमएससी साइकोलॉजी विद काउंसलिंग साइकोलॉजी, ठीक है, या फिर स्पेशलाइजेशन और एमए, एमएससी इन अप्लाइड साइकोलॉजी विद काउंसलिंग साइकोलॉजी, अगर आपने इनमें से कुछ भी कर रखा है डिप्लोमा तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। उम्र जो है वो सभी के लिए 21 से 50 साल है, ठीक है, और सी टेट जो और एस टेट जो है यहाँ जरूरी नहीं है, अगर आपके पास है तो आप लगा सकते हैं। ऑफिस सुपरिटेंडेंट की जो है यहाँ पर ग्रेजुएशन मांगी गई है, 5 साल का जो है एक्सपीरियंस आपका ऑफिस वर्क में जो है वो होना चाहिए, ठीक है, एमएस ऑफिस पर जो है वो आपको काम करना आना चाहिए। 25 से 50 साल जो है यहाँ पर, और इन्होंने कहा है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, टाइपिंग आपको आनी चाहिए, ठीक है, इसके अलावा जो है वो आपको स्पेशली एमएस ऑफिस स्कूल वर्क है तो एमएस ऑफिस पर जो है वो आपको काम करना आना चाहिए।
तो इन्होंने जो है क्वालिफिकेशन के लिए दो बार जो है इन्होंने डाउनलोड करने का जो है ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पर पीजीटी के जो ऑल सब्जेक्ट हैं, यहाँ पूरे सब्जेक्ट दिखाए गए हैं कि इंग्लिश, हिंदी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के लिए, अगर हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स के लिए, इनमें से किसी में भी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 50% अंकों के साथ मास्टर डिग्री जो है वो आपकी मांगी गई है। इसके अलावा ऑप्शन भी हैं, जैसे बायोलॉजी में ऑप्शन है तो आपको जो है वो बॉटनी और जूलॉजी आपने ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ी होनी चाहिए। अगर आप हिस्ट्री के लिए अप्लाई करते हैं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी के लिए तो ज्योग्राफी, ठीक है, कॉमर्स में है तो यहाँ पर जो है मांगा गया है एमकॉम जो है वो आपकी होनी चाहिए। कंप्यूटर के लिए बीएड जो है वो नहीं मांगा गया है, लेकिन यहाँ जो है काफी ऑप्शन है कंप्यूटर पीजीटी के लिए। अगर एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो बीई या बीटेक जो है वो होना चाहिए, ठीक है, डिप्लोमा बीई या बीटेक एनी स्ट्रीम एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। यदि आपने एमएससी कंप्यूटर साइंस में किया है, बीएससी कंप्यूटर साइंस में किया है, बीसीए किया है, या आपने कंप्यूटर में जो है डिप्लोमा किया है पोस्ट ग्रेजुएट, तो भी आप यहाँ एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके अलावा भी बीसी लेवल का जो है यहाँ पर डिप्लोमा मांगा गया है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में सब्जेक्ट आप देख लें, 50% अंकों के साथ आपने एमए या बैचलर डिग्री में ये सब्जेक्ट पढ़े होने चाहिए, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश। सोशल स्टडी के लिए इन्होंने कहा है कि दो इनमें से सब्जेक्ट होने चाहिए आपके पास बैचलर में, स्नातक में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस। इनमें से हिस्ट्री या ज्योग्राफी जो है एक सब्जेक्ट जो है वो कंपलसरी होना ही चाहिए। मैथ में भी कई ऑप्शन हैं, साइंस में भी, बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री, ठीक है, तीनों साल आपने पढ़ी होनी चाहिए साइंस। हेल्थ वेलनेस के लिए वही है, डिप्लोमा है काउंसलिंग ऑफ साइकोलॉजी में। म्यूजिक की भी वैकेंसी है यहाँ पर, यदि आप म्यूजिक में डालना चाहते हैं और यहाँ पर डिग्री अगर आपने कर रखी है म्यूजिक में किसी भी यूनिवर्सिटी से। यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन के लिए मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग अच्छे से चेक करेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन जिनको भी करना होता है किसी भी पोस्ट के लिए, तो पहले नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड करें, सारे इंस्ट्रक्शन, निर्देश जो है उनको पढ़ें, फिर एप्लीकेशन करें। यहाँ पर कोई फीस नहीं लग रही है तो आप जरूर डालें। तो यहाँ पर जो है टीजीटी गेम्स के लिए क्वालिफिकेशन कहा है कि डिग्री जो है वो फिजिकल एजुकेशन में, और कंप्यूटर जो है इसमें पीजीडीसीए, एमसीए या बीई, ठीक है, टीजीटी के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं। ड्राइंग के लिए जो है डिप्लोमा कहा गया है ड्राइंग में, और साथ में बीएड जो है वो सभी में मांगा गया है। 21 से 50 साल उम्र रहेगी। वुमेन कैंडिडेट, फिजिकल चैलेंज कैंडिडेट को यहाँ पर उम्र में 5 साल की छूट है। एक लास्ट पोस्ट और है लैब अटेंडेंट की, जिसमें 12th मांगा गया है साइंस से। अभी एप्लीकेशन करने का प्रोसेस जो है वो बिल्कुल ध्यान से समझिए। ये मेन जो इसकी वेबसाइट है एयरफोर्स स्कूल मनोरी की, यहाँ पर नोटिस सर्कुलर में आपको रनिंग में नजर आ रहा है वैकेंसी। सबसे पहले जो है वह इस पे आप लोगों को क्लिक करना है। तो ये पेज ओपन हो गया, सबसे पहले नोटिस डिटेल में यहां पर डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो ये डाउनलोड पर जो है वो क्लिक करना है। यहाँ पर जो है एप्लीकेशन परफॉर्मा आपको मिल गया, डाउनलोड करना है, इसको फिल करना है। तो यहाँ पर जो है एयरफोर्स स्कूल मनोरी के लिए इन्होंने ये कंप्लीट जो है डिटेल में सारी चीजें जो है वो यहाँ दी हैं। तो यहाँ पर जो है लिखा है कि फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन फॉर्म, पे स्केल, प्लीज विजिट www.afsmanuri.edu.in। ये मैंने आप लोगों को सारी चीजें दिखा दी है, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है, पे स्केल क्या रहने वाली है। तो आप लोग जो है वो इसी वेबसाइट पर जाकर जो है विजिट करेंगे, आपको सारी चीजें जो है यहीं पर पता चलेगी। तो यहाँ पर जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों को भर लेना है, और जितने भी आपके 10th के बाद के जो डॉक्यूमेंट हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन हैं, इनको साथ में एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में लगाना है और सबमिट करा देना है। ये इसका एड्रेस है, टू प्रिंसिपल एयर फोर्स स्कूल मनोरी प्रयागराज, ठीक है, यहाँ तक जो है इसका एड्रेस है। तो यहाँ भेज देंगे, साथ में ऊपर जरूर लिखें किस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं। रजिस्टर्ड पोस्ट करनी है, यहाँ पर बिल्कुल लिखा हुआ है। और अगर आप नजदीक रहते हैं, क्योंकि मनोरी प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है, अगर आप वहाँ नजदीक रहते हैं तो आपको क्या करना है, सील्ड बॉक्स कैपरेट सब गार्ड रूम यहाँ पर आप लोगों को देना है, AFSTN मनोरी, ठीक है। लास्ट डेट जो है वो 11 अगस्त 2023 है। बाकी इन्होंने स्कूल का जो है वो मोबाइल नंबर भी दिया है यहाँ पर। तो सारी चीजें मैंने आप लोगों को डिटेल में समझा दी हैं। बाकी आप लोग एयरफोर्स स्कूल की जो मेन साइट है इस पर जाकर सारी चीजें देखेंगे। थैंक यू।